वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका एक जनरल फॉर्म होता है, मतलब के दो वेरिएबल्स जो होते हैं कैसे लिखे जाते हैं, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये देखो तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल्स है और ए बी और सी जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स भी हमको समझना चाहिए, नंबर्स के अलग अलग फॉर्म हम एक बार देखेंगे। तो ये एक्चुअली नंबर सिस्टम है, इसमें सबसे पहले हमको समझना है नेचुरल नंबर्स। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वेन डायग्राम है। तो ये सर्कल्स दिखाए गए, जैसे ये जो, तो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट नंबर सर्कल्स है या एलिप्स है जो भी है। तो ये जो है नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमको बचपन से सिखाया गया है, लेकिन वन से शुरू करके। तो वन से शुरू करके जब हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स है। हम गिनती कहाँ तक भी कर सकते हैं, इसकी कोई एंड नहीं है, सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, आप काउंट करते जाओ। तो ये नेचुरल नंबर्स है ये सारे नंबर्स। अब अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया, मतलब जीरो से गिनती शुरू करेंगे 0 1 2 3 4, तो ये हो गए होल नंबर्स। ठीक है, अब आया इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, मतलब नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स है, होल नंबर्स भी इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स में और एक चीज ऐड हुई। होल नंबर्स में जीरो जैसे इंक्लूड हुआ, अब इंटीजर्स में क्या इंक्लूड हुआ, नेगेटिव नंबर्स, माइनस में। तो हम जब नंबर लाइन करते हैं तो नंबर लाइन पे जीरो बीच में होता है, फिर हम आगे नंबर्स 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे जब हम लिखेंगे तो वो -1 -2 -3 जैसे होगा। तो वो भी अनलिमिटेड है, राइट साइड भी अनलिमिटेड हम गिनती कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी हम गिनती अनलिमिटेड माइनस में जा सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि -1 बड़ा है, -1 इज ग्रेटर देन -2, मतलब नेगेटिव में जितना दूर जाते जाएंगे उतना छोटा होते जा रहा है। तो वो है -1 is greater than -2, -2 is greater than -3 एंड सो ऑन। फिर आए इंटीजर्स के अलावा और आगे जाएंगे तो आएंगे रैशनल नंबर्स, मतलब जब हम 0 और 1 के बीच में बात करते हैं तो भी नंबर्स है 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 या 0.15, जो भी है, ये सारे जो नंबर्स है ये क्या है, रैशनल नंबर्स। तो इनको रैशनल नंबर्स में आता है, ये इनकी गिनती की जाती है। तो ये रैशनल नंबर्स हुए, और फिर आते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल दीज, मतलब इवन नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स ऐसे। तो ये और बड़ा किया हमने जब सर्कल ये पूरा, तो आ गए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक्चुअली रैशनल और इरेशनल नंबर्स अलग से यहाँ दिखे दिया गया है। तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे भी रैशनल नंबर्स है। नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये क्लियरली समझना जरूरी है। जैसे हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो 0.1 0.2, ये तो ठीक है रैशनल नंबर्स है, पर अगर जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स और आगे हमको जब डिवाइड करते हैं, तो हम डिविजन में कभी कभी देखते हैं कि डेसिमल नंबर पॉइंट के आगे फिर नंबर्स ऐड होते ही जाते हैं, उसका कोई अंत ही नहीं होता। तो अगर वो अंत नहीं होता लेकिन रिपीट होते जा रहे हैं, जैसे 0.123 123 123 ऐसे हो रहा है, तो 123 रिपीट होते जा रहे हैं, तो रिपीटिंग डेसिमल है, तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल उसका कोई अंत ही नहीं है, जैसे √2 होता है, √2 अगर आप करने जाओगे तो ये इसका कोई अंत ही नहीं होता। जैसे पाई भी होता है 22/7, 22/7 आप एक पेपर लेके 22/7 करो, तो 7 जब आप देखते 7 3 24, 3.14 के आगे आप जाते जाओ वो अंत ही नहीं होता। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल और इरेशनल सब मिला के ये सारे नंबर्स है, नंबर सिस्टम यही है पूरा। तो इसके अलावा और कोई नंबर्स तो होते नहीं, तो सब कुछ, तो ये सब कुछ इंक्लूड हो गया, ये रियल नंबर्स कहते हैं इनको। तो ये होता है रियल नंबर्स का मतलब जो हमने समझा। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो
पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कम्प्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दें उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो जब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax plus by plus c, जिसके अंदर a, b और c जो है नंबर्स है, x और y नंबर्स नहीं है, मतलब नंबर्स की जगह पे हमने ये यूज किया है, x और y वेरिएबल्स है। तो टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल x और y है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 4m plus 3n, तो m और n वेरिएबल्स है, तो ये वेरिएबल्स है और a, b, c कॉन्स्टेंट है, नंबर्स है जिनकी फिक्स्ड वैल्यू है। तो वो वैल्यू क्या है, वो कैसे वैल्यू होगी, नंबर होगा तो क्या नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर्स होगे, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल इरेशनल कैसा भी, जो हमने अभी देखा पूरा नंबर सिस्टम। तो ए बी और सी रियल नंबर्स है और इसके अंदर कंडीशन ये है कि ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए एट द सेम टाइम, मतलब दोनों ए और बी जीरो हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ऐसे तो लीनियर इक्वेशन नहीं बना। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी में अगर ए जीरो है चलेगा या बी जीरो है चलेगा, सी जीरो हमेशा हो सकता है, सी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ए और बी साथ में जीरो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो इसका जो है जनरल फॉर्म है। अगर ऐसे लिखा है 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12 तो उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में तो ये 4y को इस तरफ लिख के आना है, तो ए एक्स 4y इधर आ गया तो इक्वल टू का ये साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, या प्लस 4y, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो 3x इज इक्वल टू 4y तो इधर आ गया तो माइनस 4y हो जाएगा, 3x माइनस 4y, माइनस 12 को भी यहाँ लाना है, प्लस सी चाहिए हमको, तो ये माइनस 12 है तो यहाँ आके प्लस 12 हो जाएगा, तो 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा यहाँ, मतलब इज इक्वल टू जीरो। तो ये जनरल फॉर्म इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में पूरी हमारी मैथ्स वन की एक्सरसाइज है, इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती है एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल में 7 सवाल है हमको, देखो क्या लिखना है, इक्वेशन दिया हुआ है हमको, ये लिखना है कि इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो या तो येस लिखो या नो लिखो। आपको क्या लगता है, यहाँ तो फर्स्ट का सॉल्व किया हुआ है आपके सामने, 4m plus 3n is equals to 12, मतलब 4m plus 3n minus 12 is equals to 0, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। यहाँ सेकेंड क्या है, देखो 3x square minus 7y is equals to 30, तो इसमें क्या अलग है, ax plus by plus c is equals to 0, वो तो हम बना सकते हैं इस तरफ लाके, उसको करने की भी जरूरत नहीं, देख के हम समझते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन क्या अलग है यहाँ पे, स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाते हैं स्क्वायर वाले। तो लीनियर में पावर जो है हमने देखा है 9th स्टैंडर्ड में भी, पावर जब हमने बात की तो ये वेरिएबल के ऊपर पावर होता है, जब कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है, अगर 2 डाला या 3 डाला, रूट भी डाला, अगर रूट किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, रूट टू है, रूट टू रैशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है तो भी चलेगा, रियल नंबर ही है तो रूट टू चलेगा, लेकिन एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए, तो एक्स के ऊपर ये जो पावर 1 ही होना चाहिए और कोई वैल्यू पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, तो ये लिख दिया नो। थर्ड क्या है, रूट टू एक्स माइनस रूट फाइव वाई इज इक्वल टू 60, तो हमको इसको हमारे जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब प्लस का मतलब माइनस हो गया, प्लस का मतलब इधर जैसे है रूट टू एक्स माइनस रूट फाइव वाई, मतलब इधर एक्स है वाई है और ए की वैल्यू क्या है रूट टू है, बी की वैल्यू क्या है माइनस रूट फाइव है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई है ना, तो प्लस माइनस रूट फाइव, मतलब वही हुआ माइनस रूट फाइव, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वो भी आपको आना चाहिए, हम उसको भी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू माइनस 16 इन दिस केस इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जैसे लिख सकते हैं, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका आंसर हम थर्ड का लिखेंगे येस। फोर्थ क्या है, 0x plus 6y minus 3 is equal to 0. अब यहाँ पे क्या हो गया, x के पहले 0 आ गया, तो x के पहले 0 आ गया तो 0 भी रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन हमने लिखा कि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये दो वेरिएबल नहीं रहेंगे फिर, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे
जो है नो लिख सकते हैं। इन अ सेंस इट इज ऑल्सो ट्रू कि ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही होगा, क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है। पर दोनों साइमल्टेनियसली अगर जीरो हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं, सिर्फ कॉन्स्टेंट बचेगा। और 5 भी है, 0.3x plus 0y minus 36 is equal to 0, तो या y 0 हो जाता है तो 0.3x की वैल्यू या x की वैल्यू डायरेक्टली मिल सकती है, तो ये वन वेरिएबल बचता है, लेकिन फिर भी ये लीनियर इक्वेशन तो है। 6 का क्या है, 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ax क्या है, a की वैल्यू 4 है, लेकिन x का क्या है, 1 अपॉन x है। 1 अपॉन x मतलब x रेस टू माइनस 1, यहाँ जैसे x रेस टू 2 था ना, तो यहाँ x रेस टू माइनस 1 हो गया, तो x रेस टू माइनस 1 है, ये भी y रेस टू माइनस 1 है। तो ये जो है ये एक्चुअली जो है इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x के ऊपर पावर जो है वो 1 नहीं है, माइनस 1 है, तो ये नहीं है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे हम नो लिख देंगे। सेवंथ वाला कैसे है, 4xy minus 5y is equal to minus 8 is equal to 0। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल y है या वेरिएबल x है, लेकिन x का पावर 1 है, लेकिन इसके बाजू में y भी है, मतलब x into y है ये, तो x का पावर 1 y का पावर 1 मतलब टोटल पावर ये डबल हो गया, 2 पावर हो गया, तो टोटल 4 के आगे जो 4 के लिए जो वेरिएबल्स का पावर है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा जो चार्ट है ये कंप्लीट हुआ। आगे जाते हैं, आगे है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब क्या साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, जब दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक साथ जब हम सॉल्व करने को जाते हैं तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जैसे यहाँ दो इक्वेशंस दिए गए, 5x minus 3y is equals to 8 और 3x plus y is equals to 2। तो इन दोनों को साथ में जब दो इक्वेशंस हमारे पास होते हैं, दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस है, तो इनको सॉल्व करके हम दोनों x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो वही हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सेट भी है, प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सोल्यूशन दो तरीके से क्या हुआ है, मेथड 1 और मेथड 2। तो पहले मेथड 1 समझते, 5x minus 3y is equals to 8, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, 3x plus 2y is equals to 2, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमने 9th स्टैंडर्ड में ये किया है सेम एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे जो है दोनों के जो आगे जो नंबर है उनको हमको सेम करना है, कोएफिशिएंट कहते हैं इसको। तो जैसे इसका 5 है इसका 3 है, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो हमको इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इजी क्या है, वाई का आगे देखो यहाँ माइनस 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का कोएफिशिएंट जो है सेम हो जाएगा, प्लस माइनस को चेंज करने की जरूरत, सिर्फ नंबर को देखने की जरूरत है। तो ये हम इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 9x हो गया, प्लस 3y3 आ गया यहाँ पे जो हमको चाहिए था, और इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6। तो ये हमारा नया इक्वेशन बन गया इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया ना, ये अलग इक्वेशन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को देखेंगे, 2 को तो हमने 3 बना दिया, तो अब 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या है 3 तो ये है 9x plus 3y is equals to 6, और 1 इक्वेशन यहाँ फिर से लिख लिया 5x minus 3y is equals to 8। अब इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमारे कोएफिशिएंट कौन से सेम हुए, y के कोएफिशिएंट सेम हुए, दोनों 3 3 आ गया दोनों का। तो अब ये इनकी साइन देखनी है, एक प्लस एक माइनस है, मतलब दोनों को एड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x ही बचेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे जो इजी है वो इसमें, जैसे यहाँ पे कम नंबर्स है तो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ऐसे ये सम सॉल्व होते हैं। तो अब पहले हमको ऐड करना है, अगर यहाँ पे ये जो साइन है दोनों की साइन सेम होती, दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो ये ऐड का है, यहाँ पे 5x minus 3y is equal to 8 और 9x plus 3y is equal to 6 को ऐड किया, तो आप देख सकते हैं 5 plus 9 कितना होगा, 14 14x हुआ, minus 3y plus 3y cancel हो गया, और ये 8 plus 6 14, तो 14x is equal to 14, यहाँ 14 multiply by x है, इसको 14 को इस तरफ ले जाएंगे तो divide में चला जाएगा, 14 upon 14 मतलब 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, 3x plus y is equal to 2, तो सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 1 इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो गया 3 into 1 plus y is equal to 2, फिर आएगा 3 into 1 मतलब 3, 3 plus y is equal to 2, 3 को यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे तो ये plus 3 का minus 3 बन जाएगा, तो 2 minus 3, और 2 minus 3 मतलब बड़ा नंबर 2 है, उसमें से माइनस हम कर रहे हैं 3, तो 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, तुम्हारे पास 2 रुपए और माइनस 3 3 रुपए तुमको रिटर्न देने, या कोई चीज 3 तो उधारी रह गई, मतलब उधारी मतलब माइनस, तो माइनस
तो y इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। 3 माइनस टू इज इक्वल्स टू वन, 2 माइनस थ्री इज माइनस वन। तो ये साइन की गड़बड़ी नहीं करनी है। ये चैप्टर्स में जनरली बच्चे मार्क्स खोते हैं और गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं, वो सिर्फ साइन की वजह से होते हैं और आपके इतने सारे मार्क्स चले जाते हैं। तो साइन में गड़बड़ नहीं करनी है। वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, सोल्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू वन, वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, जिसको ये फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में लिख के इज इक्वल्स टू या वन वाई की एक्स की वैल्यू और माइनस वन वाई की वैल्यू। तो ये सोल्यूशन हो गया, तो ये सम कम्प्लीट हो गया। दूसरा तरीका भी है, यहाँ सेकंड तरीके से किए हैं, लेकिन सेकंड तरीका आप चाहिए तो आप उसको नहीं समझो, क्योंकि यहाँ एक तरीके से सॉल्व करोगे तो उतना भी अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली y को एक फॉर्मेट में लिखा और y की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर दी, पर आप इतना नहीं समझोगे तो बेटर है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथड के अलग नाम नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि आप इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, आपको सिर्फ सम दिया जाएगा जो आप मेथड वन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकेंड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल टू देखते हैं। यहाँ पे है सॉल्व 3x plus 2y is equals to 21, 5x minus y is equals to 18। तो ऐसे बॉक्स वाले सम काफी आते हैं एग्जाम में, इनको एक्टिविटीज कहते हैं, तो एक्टिविटी सम्स होते हैं। इसमें पूरा सम सॉल्व क्या होता है, आपको ये बॉक्सेस भरने और हर बॉक्स का आधा मार्क होता है। तो जितने बॉक्सेस हो गए, चार बॉक्स हो गए तो दो मार्क्स, आठ बॉक्स है तो छह बॉक्स है तो तीन मार्क्स, ऐसे करके सम्स आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम अब इसको देखेंगे एग्जाम्पल टू को। तो इस एग्जाम्पल में हम 3x plus 2y is equals to 29 को इक्वेशन वन नाम दे देंगे, 5x minus y is equals to 18 को इक्वेशन टू। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये एक्चुअली जो मेथड यूज किया गया है, इसमें एलिमिनेटिंग y मेथड यूज किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू, अब यहाँ पे देखो ये 2y है और यहाँ पे ये माइनस वाई है, तो हमको इन दोनों को जो है सेम बनाने के लिए, या 3x है 5x है, तो ये तो यहाँ पे अगर वेरिएबल जो है यहाँ पे y उसके आगे 1 है, जब वेरिएबल के आगे 1 होता है तो उसके वो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। यहाँ पे 2y मतलब इस इक्वेशन को सिर्फ 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मतलब 5x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 5x माइनस ये एक्चुअली इंटू डैश है, 5x इंटू हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहाँ 5x इंटू 2 आएगा, माइनस y इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 मतलब 10x हो गया, और माइनस y इंटू 2 मतलब 2y, 18 इंटू 2 कितना आएगा, 36। तो 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 36 आएगा, इसको हम फिल कर लेते। तो ये हो गया 2, यहाँ पे भी आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आ गया 36। अब यहाँ पे फिर एड करना है हमको, कौन से इक्वेशन जो हमने चेंज किया ये यहाँ पे है 10x minus 2y, मतलब इक्वेशन 2 तो चेंज होके 3 बन गई, तो अब हमको 1 और 3 को ऐड करना है। तो हमेशा याद रखना, जब हमने 2 को 3 कन्वर्ट किया तो अब 2 को इग्नोर करना है, हमको 3 हमने उसको बना दिया, तो 1 और 3 के साथ हमको करना है। तो लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 एंड 3, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये 3x plus 2y is equal to 29 है, ये 10x minus 2y, तो ये plus 2y है, यहाँ पे minus 2y है, ये 10x है, minus 2y is equals to 36, जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया, इक्वेशन 3 हमने लिखा है, पूरा कॉपी किया सेम ऊपर से। तो ये माइनस टू वाई प्लस टू वाई, तो ये ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस टू माइनस टू ऐड हुआ मतलब जीरो, और 10x प्लस 3x होगा 13x, 29 प्लस 36 होगा 65, तो 10x इज इक्वल्स टू 65, तो 13x इज इक्वल्स टू 65, तो 13x और 65 है तो 13 के टेबल में 65 कब आता है, 5, तो 65 डिवाइड बाय 13 मतलब कि x इज इक्वल्स टू 5। तो सब्सटीट्यूट करना है अभी x is equal to 5, तो हम इक्वेशन 1 में करेंगे यहाँ पे, या 2 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे E1 में किया गया, ये ऑलरेडी एक्टिविटी है, तो 3x plus 2y is equals to 29 है, तो 3 multiply by 5 है ना, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, तो 3 5 into 5 plus 2y is equals to 29, 3 5 जा 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 plus 2y is equals to 29, फिर 2y को 29, यहाँ पे 15 को हम इस तरफ ले जा रहे हैं, तो 29 minus 15 हो जाएगा, 29 माइनस 15 होता है 14, तो 2y is equals to 14 मतलब y is equals to 14 divided by 2 मतलब 7, तो ये हो गया। तो यहाँ 2y मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आके डिवीजन हो जाएगा, मतलब 14 divided by 2, तो x और y की वैल्यू आ गई 5 और 7, तो ये हमारा सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। फिर थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 1 आता है। थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व 15x plus 17y is equals to 21 और 17x plus 15y is equals to 11।
तो इसमें इक्वेशंस में कैसा है, दोनों के कोएफिशिएंट जो है इंटरचेंज हुआ, या 15 और 17 है या 17 और 15 है। तो ऐसे सम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके हमको दोनों को मतलब एक को 15 से और एक को 17 से ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना, 15 प्लस 17 हो जाता है 32। तो 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू, ये भी 32 आ रहा है ना, 2111 है। यहाँ पे ज्यादा नंबर भी आ सकता है, जनरली मल्टीप्लीकेशन में आएगा, जैसे 64 वगैरह कुछ आएगा। तो 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32, मतलब हम पूरा सारे कोएफिशिएंट्स को अगर 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 1, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा नया इक्वेशन हमको मिल गया। तो एक बार ऐड किया हमने दोनों को, जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंजेबल है, मतलब 15 प्लस 17, 17 प्लस 15 है, एक इक्वेशन ऐसे है, या तो 2 है ना, 22 31 या कुछ भी ऐसे कुछ होगा, 22x प्लस 31y है और 31x प्लस 22y है, ऐसे टाइप के सवाल हो गए। तो हमको दो बार क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो इक्वेशन 3 मिलेगा, ये जो हमको मिला अभी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और दूसरी बार इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो 15 माइनस 17 जब सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ध्यान रखना है साइंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15x plus 17y is equals to 21, 17x plus 15y is equals to 11, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो क्या होता है, हमको सब हर एक के आगे साइन चेंज करनी है, मतलब यहाँ प्लस 17 है तो माइनस हो गया, या प्लस 15 है ये माइनस हो गया, 11 है इसको भी प्लस 11 है, मतलब कि ये माइनस हो गया। तो अभी 15, अभी ये साइन को भूल जाना, हमने यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर दी, तो यही साइन हमको देखनी है, ये तो बड़े बड़ी साइन है क्योंकि हम तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 15 और 17 कैसा है, 15 माइनस 17, बड़ा नंबर 17 है तो डिफरेंस तो 2 है लेकिन माइनस 2 आएगा क्योंकि बड़े नंबर की साइन आएगी हमेशा, बड़ा नंबर है मतलब हमको प्लस कम है और माइनस ज्यादा है ना, तो बचा जो है वो माइनस 2 है। तो 15 माइनस 17 इज माइनस 2, फिर ये 17 माइनस 15 है, तो 17 माइनस 15 विल बी प्लस 2, तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 11, तो 21 माइनस 11 इज 10, तो ये इक्वेशन आ गया। और ये इक्वेशन भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। तो ये दो इक्वेशन आ गए, 3 और 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और इजीली हमको x और y की वैल्यू मिल सकती है। ऑब्जेक्टिव यही है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। अगर हम अपने नॉर्मल तरीके से ये दो सम्स करने जाते तो हमको 15 का पूरा मल्टीप्लीकेशन, 17 का पूरा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, इसको एक ये इक्वेशन 1 को 17 से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 2 को 15 से पूरा मल्टीप्लाई करते हर एक को, तो आंसर मिलता। तो इससे ये इजी तरीका है, एक बार दोनों को ऐड करो, जो एक इक्वेशन मिला 3, उसमें अगर कोएफिशिएंट्स में कुछ कॉमन है तो वो पूरे को डिवाइड भी कर दो, जैसे यहाँ 32 से डिवाइड किया, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, उसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन 4 मिल गया। अब 3 और 4 इजीली सॉल्व होता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये 3 और 4 इक्वेशन है। अब इसमें एक x है एक माइनस x है, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2y इज इक्वल्स टू 6, 5 प्लस 1 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, मतलब के 3। तो y की वैल्यू 3 मिल गए, तो अब ये 3 और 4 कोई भी इक्वेशन में से एक में डाल देंगे, जैसे 3 में डाल दिया x plus y is equals to 1 में हम y is equals to 3 डाल देंगे, मतलब कि x plus 3 is equals to 1, तो x is equals to 3 इधर प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये साइड, तो x is equals to 1 माइनस 3, अगेन सब्ट्रैक्शन है, जब एक प्लस एक माइनस है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों साइन प्लस है तो हमको ऐड करना है, दोनों साइन माइनस है तो भी हमको ऐड करना है, हमेशा बड़े नंबर की साइन आएगी, तो यहाँ पे बड़े नंबर की साइन आएगी, ये हमेशा याद रखो, ये एक स्टैंडर्ड रूल बना लो, जब भी हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ये प्लस माइनस में होगा ऐसे, तो जब दोनों साइन, दो नंबर है, 1 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, तो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, या तो माइनस 1 प्लस 3 है या 1 माइनस 3 है, जो भी है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों प्लस है, प्लस 1 प्लस 3 तो ऑफकोर्स ईजी है, तो हमने हमेशा सीखा है 1 प्लस 3 4, तो प्लस करना है, और अगर माइनस 1 माइनस 3 है, दोनों साइन सेम है, तो भी हमको ऐड करना है, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो भी एडिशन होगा, मतलब माइनस 1 माइनस 3 का क्या आंसर आएगा, माइनस 4, साइन हमेशा बड़े नंबर की, दोनों प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस ही साइन आएगी, दोनों माइनस है तो ऑफकोर्स माइनस ही साइन आएगी, और अगर दोनों की साइन अलग है, एक प्लस एक माइनस है, इसके लिए ये रूल है कि क्या है, बड़े नंबर की साइन, हमेशा बड़े नंबर की साइन, 1 और 3 में बड़ा नंबर 3 है, तो 3 की साइन माइनस है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये एक सिंपल फंडा याद रखो कि आपकी साइन में मिस्टेक्स ना हो, ना आप सॉल्व करते हो तो साइन में मिस्टेक्स ना हो, दो सिंपल चीजें बताई मैंने, दोनों की साइन सेम है अगर दो नंबर्स की तो ऐड करना है,
दोनों प्लस है तो भी ऐड, दोनों माइनस है तो भी ऐड, दोनों की साइन अलग है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और हमेशा बड़े नंबर की साइन, ये इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर की साइन। तो ये हो गया, तो x इज इक्वल्स टू माइनस टू आ गया, तो एक्स वाई की वैल्यू थ्री, y इज इक्वल टू थ्री ऑलरेडी मिल चुका था, तो माइनस टू थ्री, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पे, प्रैक्टिस सेट 1.1। फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्टिविटी है, 5x plus 3y is equals to 9, 2x plus 3y is equals to 12। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ प्लस 3y दिया, यहाँ पे नीचे जाके माइनस हो जाता है, तो इसको भी आप माइनस ले लो, क्योंकि पूरी एक्टिविटी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर ये करेक्शन हो जाता है, ये एक्चुअली माइनस आएगा। अगर आपने नई किताब खरीदी होगी तो उसमें ऑलरेडी माइनस होगा, तो 2x minus 3y is equals to 12, ये प्लस नहीं है माइनस है, ये करेक्शन याद रखो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये माइनस है, ठीक है, दिस इज माइनस। तो ये 5x plus 3y is equals to 9 और 2x minus 3y is equals to 12, तो ये plus 3y है, ये minus 3y है, तो हमको add करना है, तो cancel हो जाएगा, तो equations दोनों 1 और 2 को add कर रहे हैं, तो 5 plus 2 कितना आएगा, 7, तो यहाँ पे आएगा 7x, 7x is equals to 9 plus 12, 9 plus 12 is equals to हमारा आ गया 21, तो अब हो गया ये 7x is equals to 21, तो x is equals to 21, ये 7 नीचे आएगा, 21 divided by 7 means x is equals to 3, जो already यहाँ लिखा है, place x is equals to 3 in equation 1, तो equation 1 में x की जगह हमको 3 लिखना है, तो 5 into 3 plus 3y is equals to 9, तो 5 into 3 हो गया 15, तो 3y is equals to 9, ये 15 को इस तरफ ले रहे, तो 9 minus 15, 9 minus 15 मतलब minus 6, याद रखो 9 और 15 साइन अलग है, एक प्लस है, 9 प्लस है, 15 माइनस है, तो 9 माइनस 15 मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों की साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट किया 15 और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 6, साइन क्या आएगी, बड़े नंबर की साइन, ये याद रखो, बड़े नंबर की साइन, तो 9 माइनस 15, 15 की साइन माइनस है, तो माइनस 6, 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 6, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में था या डिविजन में आ गया, माइनस 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, तो माइनस 6 है तो माइनस 2 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो x और y की वैल्यू आ गई 3 और माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट जो है हमको सॉल्व करने हैं 8 सम, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, थैंक यू।